मैंने ये वाली पहनी है। तो दिया मैंने सभी जगह रख दिया दिए हैं और अभी जा रहे हैं हम खाना बनाने। मम्मी ने इतना सारा काम कर लिया था। तो आज मैंने ये रेड वाली साड़ी पहनी है, कैसी लग रही हूँ ये कमेंट करिएगा आप लोग। और इनको मन था कि मैं रेड कलर की साड़ी पहनूँ, इसलिए मैंने ये वाली पहनी है। तो दिया मैंने सभी जगह रख दिया है, किचन में भी रख दिया, नीचे के रूम्स में भी रख दिया, क्या बिट्टू है, और देवता घर में, मम्मी के रूम में, गोलू जी के रूम के पास, सभी जगह रख दिया है। लेकिन मैंने अपने रूम में सिर्फ दो दिए लाए ना, मैंने सोचा कि और दिए जला लूंगी, और सिर्फ ये दो दिए लाए। उसके बाद शिवांश का रिएक्शन जो था वो देख के चाह रहा है कि मैं उसे छू लूं, और तो मैंने यहाँ पे रख दिया ऊपर। तो शिवांश की वजह से ही मैंने दिए और नहीं जलाए, नहीं तो और भी दिए हैं। मैंने सोचा था कि एक थाली और जलाऊंगी और तब सब जगह सजाऊंगी रूम में तो कितना सुंदर लगेगा, लेकिन शिवांश की वजह से कहीं भी नहीं जला। पिछली बार कितना सुंदर रूम में चारों तरफ रखा। तो दिवाली के दिए हमने जला दिए हैं और अभी जा रहे हैं हम खाना बनाने किचन में। और पति देव गए हुए हैं मार्केट, देखो देखो क्या कर रहा है लड़का, बेड पर से उसी दिए के पास मार रहा है। मैं ये वाला दिया उठा के ना बाहर ही रख देती हूँ। तो चलो अभी ऊपर चलते हैं, अभी पूजा पाठ बाहर। हे गाइस, तो रात के खाने की तैयारियां हो रही है, देख सकते हैं कितना सारा पकवान आज बनने वाला है। कद्दू का चक्का, बैगन का चक्का, और ये वहाँ स्पेशली आलू चप, मम्मी को मैंने बोला था आलू चप बन रहा है। यहाँ पे हो रही है दिवाली के खाने की तैयारी, और हमेशा दिवाली के खाने में दाल चावल पकौड़े यही सब बनते हैं। आप लोगों के यहाँ पे क्या बना है ये आप कमेंट करिएगा, और हमेशा से ये फेवरेट रहा है, दिवाली होती है खाने पकवान बनते हैं। और ऑलरेडी मम्मी ने इतना सारा काम कर लिया था, दाल चावल भी चढ़ा दिया था, बस थोड़ा बहुत पकौड़े तलने बाकी थे, दाल फ्राई करना बाकी था, तो फिर मैं आ गई थी मम्मी की हेल्प करने। बचा हुआ और स्पेशल स्पेशल बना रही है, मिर्ची भी दे, खाने में अच्छा लगेगा ना, मिर्ची अच्छा लगेगा, अब यहीं पर खा लीजिए। कद्दू दिखाई वो दे दीजिए, बस आलू इधर है, कद्दूआ बैंगन है, छोटा आसन है। मम्मी जी सबसे पहले आसन लगा रही है, और ये वाला आसन स्पेशली हमने हरिद्वार से लाया था। तो अभी लक्ष्मी पूजा स्टार्ट हो चुकी है। हे फैमिली, तो अभी शिवांश को मैंने सुला दिया है, और बहुत मुश्किल से सुलाया है, इतनी पटाखों की आवाज़ आ रही थी ना, और उसे नींद आई हुई थी, बहुत रो रहा था, इसकी वजह से मैंने उसे सुला दिया है। बहुत टाइम भी लगा उसे सुलाने में, पता नहीं मम्मी पूजा भी कर रही हो कि मैंने देखा भी नहीं। क्या बुआ कितना अच्छा, तो लाल लाल साड़ी पहने हुए थे मम्मी, हमसे भी मैचिंग कर रहे थे, बुआ से भी मैचिंग कर रहे। जी गणेश जी, ये वाला हमने हरिद्वार से लिया था, पालना ना मम्मी, पालना नहीं आसन है ये वाला, है ना, बाबा धाम से लाए, और मूर्ति मूर्ति बाबा धाम से और हरिद्वार से आसन। ठीक है, तो जा रहे हैं पकौड़ा तल देते हैं, खाना दाल चावल बन ले, उसके लिए खाली तल देंगे ना, फिर अपना आराम से। किचन में आ चुकी हूँ, मम्मी ने अभी कहा कि पकौड़े तलने के लिए, तो अभी जा रही हूँ पकौड़े तलने, दाल चावल तो बना हुआ है, सिर्फ पकौड़े तलने। तो अभी हम बना रहे हैं कद्दू का पकौड़ा, उसके बाद बनाएंगे बैंगन का पकौड़ा, उसके बाद बनाएंगे गोभी का पकौड़ा, और लास्टली बनाएंगे आलू चप, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। दाल फ्राई एंड चावल बन चुके हैं, बस पकौड़े तलेंगे और सब गर्मा गर्म खाना खाएंगे।
क्या हुआ? कॉलेज खाई है ना? मम्मी तो फर्स्ट ही खानी है क्या? हाँ। इतना स्लो बना रही हो तुम। वो अति बनाई चप 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 बना बनाते हैं बना। इंतजार का फल मीठा होता है ना, सब कुछ। अभी पूजा चल ही रहा है और ये पूजा काफी लंबा चलता है, देख सकते हैं कितना बढ़िया है। ठीक है, इस पूजा कम्प्लीट हो गया और ये आई थी आरती में और अब गोभी का पकौड़ा वगैरह बना रही है, सब कुछ छोड़ के वैसे ही आई है। चलो फिलहाल अब थोड़ा सा सेलिब्रेशन करते हैं। पकौड़ा जल गया, धू जल गया ना पहले, फुलझड़ी नहीं चलाइए मम्मी, पहले फुलझड़ी नहीं चलाइए, चलिए दूर आके पहले उसमें लगाना। पूजा देखो ना आ रहा भगवान, हो गया हो गया। तो दुकान पे पूजा पाठ कंप्लीट, घर पे पूजा पाठ कंप्लीट, अब खाने की बारी है और ये देख सकते हैं कितना सारा आइटम बना है। इसमें दे देते हैं खाना, कटोरा कटोरा में आएगा, हाथ कटा हुआ है खाने में नहीं बना। अच्छा हाथ काट लिया है ना, एक वो तो जला है खाली, वो तो खाली है, पापा जी भी खाली है ना, गई है पनीर का। हाँ इस बार आलू चप छितरा है नहीं, ये नहीं तो हमेशा आलू चप बनाते हैं ना तो वो कढ़ाई में छितरा आ जाता है। ठीक है क्या नहीं अच्छा? हाँ कोई बार बोले हाँ छोड़ के सबके फ्रिज में रख दो, ठीक है। सुझा रहे हैं अभी ये फुलझड़ी जलाने और ये बम छोड़ने और अभी मम्मी जी खाना खा रही हैं, बस इतना था। डालो डालो खा लेते हैं फिर दोबारा खाएंगे, दोबारा भी खाइएगा ना दीने का। पकौड़े मम्मी आती नहीं छानी, पापड़ की लोड़ी एक और तो वो भी आलू निकाल रहे हैं अभी ना, ये पापड़ की लोड़ी रखा नहीं।